आज मेरे पे तेज धार हथियारों से हमला किया गया है। ये देखिए मेरे को कितने स्टिचेस आए हैं, और इसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है बेवजह। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, आज दोपहर का ये वाकया हुआ है, उसके बाद FIR लगाई गई है मेरी तरफ से पुलिस स्टेशन जानीपुर में। लेकिन अभी रात के 8 बज रहे हैं, 5-6 घंटे वारदात को हो गए हैं, अभी तक पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, ना ही उन्होंने मौका वारदात पे देखा है कि मेरे घर के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करके मेरे रास्ते में हमारे घर की लेडीज को, जो थाने में नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रिवाज नहीं है औरतों को लेकर थाने में जाना, वो थाने में नहीं गई। और दूसरी पार्टी जो है वो बड़े बड़े फोन करवा रही है, वो बता रहे हैं कि उनका बहुत ज्यादा सरमाया है और उनकी बहुत ज्यादा वाकफियत है, पुलिस वगैरह कुछ नहीं करेगी। और जो मसला हुआ था कि यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का काम लगा हुआ था और इलीगल काम लगा हुआ था, उसकी कंप्लेंट हुई थी खिलाफ अर्जी अफसर कुलवीर, वो कह रहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लड़ाई बना के चला गया, जिसके बीच में मुझे काटा गया है और ये मेरे को स्टिचेस लगे हैं, मेरे पजामे की हालत देख सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ खून है और खून है। और मैं बंदा आज गुहार लगा रहा हूँ सभी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी मुझे जानते हैं, जिनकी मैं बात करता आया हूँ, और मुझ पे वहां पे उठ पटांग जाके इल्जाम लगा रहे हैं, जो बच्चा साल का भी हुआ नहीं, जिसको मैं जानता नहीं, जिनके घर में मैं जानता नहीं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उसको मारने की बात की, उसको मारने की बात की। और मेरे घर वाले जब थाने में गए, जो पंगेबाज थे उनको तो छोड़ दिया, ना ही म्यूनसिपलिटी ने काम बंद कराया, ना ही कुलवीर जो म्यूनसिपलिटी के खिलाफ अर्जी अफसर है वो कह रहा है मैं काम नहीं बंद करा सकता, आपको जो करना करो, लेकिन मुझे कटवा दिया उन्होंने। और पुलिस ने जो कार्रवाई करनी है, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। पुलिस और SHO ये बताए उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, उनकी कौन सी वाकफियत है, कौन सी वाकफियत के तहत वो यहाँ पे नहीं आ रहे, इसका मतलब उनकी वाकफियत है, वो किसी को भी काट सकते हैं। अगर मेरे जैसे इंसान की ये हालत हो गई कि मुझे लगे हुए ये वीडियो बनानी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है LG साहब के पास कि LG साहब ये कानून चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है, यहाँ पे पैसों वालों की तूती बोल रही है, यहाँ पे जो सरमाएदार है उसकी तूती बोल रही है, जिसकी वाकफियत है उसकी तूती बोल रही है, आज मेरे साथ ये हुआ, कल तो मुझे मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, आम बंदे का क्या होगा, हमें तो फिर चार लोग जानते हैं हमारी ये हालत है, लेकिन जो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, जो गरीब बंदा है बिना वाकफियत वाला बंदा, वो तो मर जाता होगा, वो मरेगा क्यों नहीं मरेगा। अगर मेरे जैसे बंदे को वीडियो बनानी पड़ रही है, हाथ जोड़ के गुहार लगानी पड़ रही है कि इस SHO को, इस पुलिस प्रशासन को, जानीपुर वाले को अभी तक 5 मिनट की दूरी पे नहीं आ पाए, और अब कह रहे हैं ऐसे FIR आज की फुल हो गई है, आज का टारगेट पूरा हो गया है, आप अब कल आएगा और कल देखेंगे। और यहाँ पे SHO को आने की इतनी जरूरत नहीं हुई कि मैं यहाँ पे आके देख लूं, और दूसरों की बनी बनाई बातें सुन के क्या कह रहा है, आपका पर्चा हैवी हो जाएगा और उनकी बात से ज्यादा है, आज का टारगेट फुल हो गया है। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, DGP साहब से, LG साहब से, क्या इनका टारगेट होता है अगर रात को कोई मर जाएगा, अगर इनकी 100 कंप्लेंटें पूरी होगी, 101 कंप्लेंट लिखेंगे नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, आज ये मेरे साथ हुआ है, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, और ये सरमाएदार लोग आपको भी मार सकते हैं और आपका हक भी खा सकते हैं, ना म्यूनसिपलिटी कुछ करेगी ना पुलिस कुछ करेगी, ये मैंने आज देख लिया, ये वाकई में अंधा कानून है, मेरी हालत देख लीजिए। अब बैलजी साहब से कहना चाहता हूँ, आपकी प्रतिष्ठा पे सवाल है, आपके कानून पे, आपके प्रशासन पे सवाल है, हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। अगर मैं गलत हूं, मेरे भी घर में आके सबके बयान ले, हमारी औरतें थानों पे नहीं जाती, हमारे घर पे आके बयान लिए जाए, अगर SHO की इतनी तकलीफ थी, घर में आके पूछे, जो लोग होते वहां पे जा रही है उनकी बातें पूछ के कोई भी इल्जाम लगा देगा, कल को सतवीर सिंह मिलिटेंट है ये भी बोल देंगे, मान लिया जाएगा, उस SHO को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अकेला ही वहां पे धरने पे बैठ जाऊंगा। अब ये लोगों को तय करना है मैं सही हूं या गलत हूं। जय हिंद।